मैं रस्ते की पंक्ति हूँ, दीपक हूँ फनका, ये सारा उजाला है मेरे सुखन का। मुझे नहीं पहचाने लोगांच मेरे, मैं अनमोल हीरा हूँ दखन के खनका। ख्वातिनो हजरात, दखनी जुबान के मशहूर शायर हजरत सुलेमान खतीब की वेबसाइट पर हम आपका इस्तकबाल करते हैं। शहर गुलबर्गा ने 20वीं सदी के वस्त में एक और शख्सियत को जन्म दिया, जो दखनी जबान के साहिर, साहब तर्ज शायर, मुनफरिद नसर निगार, अवामी रहनुमा, समाजी कारकुन और आशिके बंदा नवाज ही नहीं बल्कि दखनी कलाम के मजमुआ केवड़े का बन के खालिक हैं, जिन्हें दुनिया सुलेमान खतीब के नाम से जानती है। सुलेमान खतीब 22 बहमन 1332 फसली मुताबिक 26 दिसंबर 1922 ईस्वी को बमुकाम चिटगुप्पा तालुका हुमनाबाद जिला बीदर रियासत कर्नाटक के एक खतीब घराने में पैदा हुए। आपके वालिद मोहम्मद सादिक और वालिदा बीबन भी थी। आपके जद्दे आला ताज मोहम्मद साहब को 1037 हिजरी में इब्राहिम आदिल शाह की जानिब से जामा मस्जिद चिटगुप्पा का खतीब मुकर्रर किया गया था। एक दिन आप जंगल में ईंधन के लिए लकड़ियां इकट्ठी कर रहे थे तो उन्होंने देखा कि काफिला बजरिए बैलगाड़ियों के उर्स शरीफ हजरत ख्वाजा बंदे नवाज रहमतुल्लाह अलैह के लिए रवाना हो रहा है। आपको भी ख्वाहिश हुई कि उर्स में शिरकत करें। चूंकि बचपन ही से आपको ख्वाजा बंदे नवाज से वालेहाना मोहब्बत थी तो आप उस काफिले के साथ गुलबर्गा शरीफ के लिए रवाना हुए, जो आपका गुलबर्गा के लिए पहला कामयाब सफर था। आज से कोई 30-35 साल पहले की बात है, मैं ये कहने में कोई दो राय नहीं रखता कि हर मुशायरे में सुलेमान खतीब का होना लाजमी बनता है। ये बात इसलिए थी कि वो अपने मैदान में एक मुनफरिद मुकाम रखते थे, और जहां तक उनकी शायरी का ताल्लुक है, मैं समझता हूं कि सारे हिंदुस्तान में तंज के साथ साथ मिजाह को मिलाकर शायरी पेश करने का अंदाज सुलेमान खतीब में बहुत ही मुनफरिद तौर पर पाया गया था। 1946 में वो अपने खानदानी रिवायत के बरक्स गैर खानदान में मुझसे शादी की। उनका ख्याल था कि एक तालीम याफ्ता औरत ही बच्चों की अच्छी तरबियत दे सकती है, बच्चों को अच्छी तरबियत दे सकती है। वो अपनी बीवी और बच्चों के लिए पुरखलुस शोहर और बाप थे। हम हजरत सुलेमान खतीब साहब की वेबसाइट पर आपका इस्तकबाल करते हैं। जैसे केवड़े के बन में खुशबू है, चार लोगों की अबरू है जैसे केवड़े के बन में खुशबू है। जी, वैसे तो वालदैन के लिए औलाद एक जैसी होती है, लेकिन सबसे ज्यादा उनको कौन पसंद था ये कौन बताएगा? मुझे 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 बहुत चाहते थे। Thank you.
मैं आपके लिए एक नीलाम का पलंग लाया हूं। क्या बात है। नीलाम घर का एक पलंग, मैंने उसको मैंने एक नीलाम घर से एक पलंग खरीदा, एक शायर। हुस्न है, शबाब है, क्या रंग रूप है, वो भीड़ में भी जाए तो तन्हा दिखाई दे, और भीड़ में इसी तरह तन्हा नजर आने वाला एक शायर, दक्कनी जबान का एक शायर सुलेमान खतीब आपके सामने तशरीफ ला रहा है। समाप्त कीजिए सुलेमान खतीब साहब को, जिनकी दक्कनी जबान की शायरी में आपको मिठास भी मिलेगी और खटास भी। आइए सुलेमान खतीब साहब। जनाब, इस नज्म का उन्वान है छोरा छोरी। एक लड़के की माँ लड़की के घर आती है और लड़की की माँ पूछती है, बोलो काला मिजाज कैसे हैं, कितने बरसों के बाद आई हो, मिस्सी होंठों पे आंख में काजल, जैसे पैगाम कोई लाई हो। लड़के की माँ बोली, मेरे छोरे को छोरी होना है, मेरे छोरे को छोरी होना है, मेरा छोरा तो पक्का सोना है, तुम्हें दिल में जरा न को सोचो, हाथ आया सो हीरा खोना है, चार लोगा में उसकी अबरू है, जैसे केवड़े के बन में खुशबू है। थैंक यू फॉर विजिटिंग www.suleymanfatih.com। For more, log on to www.suleymankhatib.com.